नमस्कार। जनसरोकार मंच टोंक की काव्य पाठ श्रृंखला में आज हम जिन कवि से आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं वे हैं श्री अशोक सक्सेना। सक्सेना जी बहुत लंबे समय से साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनकी कविताएं समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। कविताओं के अलावा सक्सेना जी कहानियां भी लिखते रहे हैं और इन दिनों में एक उपन्यास के ऊपर वे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पत्रकारिता के अंदर वे अपने कॉलम के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। विराट वैभव नाम का जो एक अखबार है उसके अंदर उन्होंने लंबे समय तक अपने स्तंभ लेखन का कार्य किया है। इसके अलावा जो दूसरे समाचार पत्र हैं, चाहे वो अधिकार रहे हों, महका भारत रहे हों, इधर बढ़ता राजस्थान रहा हो, इन सब अखबारों के अंदर वे लंबे समय से जुड़े रहे हैं और इनमें निरंतर लेखन कार्य करते रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आप उनकी कविताओं को सुनकर के और उनके कवि स्वभाव, उनकी कविताई के ऊपर आप अपनी एक राय बनाएं। आदरणीय सक्सेना जी नमस्कार। मेरे सभी सुधी श्रोताजनों को आभारी रहूंगा उनका जो अपना समय दे रहे हैं मुझे। साथ ही ये आग्रह भी करूंगा कि बिना किसी संकोच के अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें ताकि लेखन में निरंतर प्रखरता उपजती रहे। आज आपके सामने मैं चंद कविताएं रखूंगा। मेरी छोटी सी कविता है पहली कि मैं तुम्हारा ही स्वर हूँ, मैं तुम्हारा ही स्वर हूँ, मुझे मालूम है तुम भी कुछ ना कर पाने की जड़ता के साथ अपने आप में उद्वेलित हो। तुम भी कुछ ना कर पाने की जड़ता के साथ अपने आप में उद्वेलित हो। नथनों में समा रही है बदबूदार सीलन और कसेले स्वाद सा मन लिए नहीं करता है कहीं भटकने का मन, और इस कसेले स्वाद सा मन लिए नहीं करता है कहीं भटकने का मन। स्पंदन मौन है, स्पंदन मौन है और संवाद संवाद प्रतीक्षारत है चील घरों में, और संवाद प्रतीक्षारत है चील घरों में। ऐसे में शब्द और ध्वनि से बचते हुए ऐसे में शब्द और ध्वनि से बचते हुए हम इशारों इशारों में तो कोई बात कर ही सकते हैं। ऐसे में शब्द और ध्वनि से बचते हुए हम इशारों इशारों में तो कोई बात कर ही सकते हैं, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ मेरी दूसरी रचना है आपके समक्ष। है सारी आज के वर्तमान और उसकी व्यवस्थाओं से घिरे आदमी के साथ जीने की और उसको समझने और पहचानने की कोशिश है। दूसरी रचना है मेरी, ये कैसा अंधड़ है, ये कैसा अंधड़ है, ना तो हवा का जोर है, ना तो हवा का जोर है और ना हवा का शोर है। ये कैसा अंधड़ है, ना तो हवा का जोर है, ना हवा का शोर है, फिर भी आँखों में रेत भरी आती है, फिर भी
आंखों में रेत भरी आती है, ये कैसा सन्निपात आपसरा है, ये कैसा सन्निपात आपसरा है। कुछ दिखता है तो सिर्फ स्वयं को बचाए रखने की अदृश्य मौन साजिश, कुछ दिखता है तो सिर्फ स्वयं को बचाए रखने की अदृश्य मौन साजिश। एक विस्मय से भरा मौन है ये, एक विस्मय से भरा मौन है। मैंने बस्ती की झील से पूछा तुम भी इतनी शांत क्यों हो, मैंने बस्ती की झील से पूछा तुम भी इतनी शांत क्यों हो। तुम्हारी खामोशी क्या किसी तूफान के आने का संकेत है, तुम्हारी खामोशी क्या किसी तूफान के आने का संकेत है, या तुम भी थककर सो गई हो, या तुम भी थककर सो गई हो। मैं उत्तर की प्रतीक्षा में ही रहा, शायद झील को भी समय का इंतजार है। ये मेरी रचना थी, शायद आपको अच्छी लगे। इसी के साथ एक रचना कविता के ऊपर है, इसका शीर्षक दिया है मैंने कविता का अग्नि स्नान। इसका शीर्षक है कविता का अग्नि स्नान। कविता, मरी चिड़िया का पंख ही नहीं होती, कविता मरी चिड़िया का पंख ही नहीं होती, कविता फिनिक्स के जीवन का यथार्थ भी होती है। कविता मरी चिड़िया का पंख ही नहीं होती, कविता फिनिक्स के जीवन का यथार्थ भी होती है। कविता अधूरे छूट गए सपनों का साक्ष्य भी होती है, कविता अधूरे छूट गए सपनों का साक्ष्य भी होती है। जब जब पसीज जाता है हथेली में मरी चिड़िया का पंख, जब जब पसीज जाता है हथेली में मरी चिड़िया का पंख, हथेली की रेखाएं नतमस्तक हो उठती हैं। जब जब पसीज जाता है मरी चिड़िया का पंख, हथेली की रेखाएं नतमस्तक हो उठती हैं, और फिर मरी चिड़िया ही साक्ष्य बनती है, और फिर वो मरी चिड़िया ही साक्ष्य बनती है हमारी चेतना के पुनर्जन्म का, और फिर मरी चिड़िया ही साक्ष्य बनती है हमारी चेतना के पुनर्जन्म का। शायद इसीलिए कविता के जन्म से ठीक पहले शुरू होता है जुगनुओं के प्रकाश का कोरस, शायद इसीलिए कविता के जन्म से ठीक पहले शुरू होता है जुगनुओं के प्रकाश का कोरस। कविता सिर्फ मरी चिड़िया का पंख ही नहीं होती, फिनिक्स के जीवन का यथार्थ भी होती है कविता। तो मित्रों, इसके साथ ही एक और कविता है, इसके तेवर थोड़े अलग हैं, जैसा वक्त मुझे दिखाता रहा मेरी मजबूरी हो गई कि मैं वैसा लिखूं। देखिए कि बहुत संभव है कि तुम बदल दिए जाओ बिना रीढ़ के जीव में, बहुत संभव है कि तुम बदल दिए जाओ बिना रीढ़ के जीव में, तुम्हारी इंद्रियां खो दें अपनी संचेतनाएं, तुम्हारी इंद्रियां खो दें अपनी संचेतना, तुम्हारे मस्तिष्क से पहुंच दी जाए तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे मस्तिष्क से पहुंच दी जाएं तुम्हारी स्मृतियां, और किसी काले रसायन में डुबो दी जाए प्रेम और संवेदना, और किसी काले रसायन में डुबो दी जाए प्रेम और संवेदनाएं। ये हादसा किसी भी क्षण घट सकता है, ये हादसा किसी भी क्षण घट सकता है, इससे पहले कि ऐसा हो जाए तुम महसूस करो
कि क्या तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं। इससे पहले कि ऐसा हो जाए, तुम महसूस करो क्या तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं और क्या आसमान अब भी तुम्हारे कंधों पर टिका है और क्या आसमान अब भी तुम्हारे कंधों पर टिका है तो फिर अभी भी अपने होने के ऋण से मुक्त नहीं हुए हो। तो फिर तुम अभी भी अपने होने के ऋण से मुक्त नहीं हुए हो, शुरू कर सकते हो, शुरू कर सकते हो बांटना संवेदनाएं और सांत्वनाएं, शुरू कर सकते हो बांटना संवेदनाएं और सांत्वनाएं, पर वो शाब्दिक ना हो, पर वो शाब्दिक ना हो। ये मेरी एक आग्रह है मेरे श्रोताजन के साथ। इसी तेवर की एक कविता और है कि पसरे सन्नाटे के बीच मौन मुखर होता है, पसरे सन्नाटे के बीच मौन मुखर होता है। आप सड़कों पर नहीं उतर सकते, पसरे सन्नाटों के बीच मौन मुखर होता है, आप सड़कों पर नहीं उतर सकते। ये आप भी जानते हैं और हम भी, ये आप भी जानते हैं और हम भी। सुरक्षा इसी में है, सुरक्षा इसी में है। आप दर्शक दीर्घा में बैठ जाइए, सुरक्षा इसी में है कि आप दर्शक दीर्घा में बैठ जाइए। कोई भी भगत सिंह बनने का प्रयास ना करे, कोई भी भगत सिंह बनने का प्रयास ना करे। दृश्य उभरता है प्रभात फेरी का, दृश्य उभरता है प्रभात फेरी का, संध्या काल का स्वांग है श्री राम के जयघोष का, स्वांग है श्री राम के जयघोष का, धर्म की जड़ता का। फिर दृश्य बदलता है, फिर दृश्य बदलता है मृत्यु के सत्य का, राम नाम सत्य है। फिर दृश्य बदलता है मृत्यु के सत्य का कि राम नाम सत्य है। शब्द गूंज रहे हैं, शब्द गूंज रहे हैं, उन दोनों दृश्यों में एक ही समानता है, उन दोनों दृश्यों में एक ही समानता है। सड़कों पर बिखरे हैं फूलों की पत्तियां, सड़कों पर बिखरी हैं फूलों की पत्तियां। सूत्रधार का स्वर उभरता है, सूत्रधार का स्वर उभरता है। आप जी रहे हैं, आप जी रहे हैं धर्म की जड़ता और मृत्यु के बीच, आप जी रहे हैं धर्म की जड़ता और मृत्यु के बीच। देखिए, महसूस करिए, किलबिला रहा है आपके जीवन का दर्शन। देखिए, महसूस कीजिए कि किलबिला रहा है आपके जीवन का दर्शन। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हमें पता है तुम स्वयं ही मर जाओगे, हमें पता है तुम स्वयं ही मर जाओगे अपनी अपनी पिपासाओं के साथ, तुम स्वयं ही मर जाओगे अपनी अपनी पिपासाओं के साथ। हम जानते हैं, हम जानते हैं हमें खतरा भी है, हम जानते हैं हमें खतरा भी है तुम्हारे संगठित हो जाने से, हम जानते हैं हमें खतरा भी है तुम्हारे संगठित हो जाने से। पर धर्म और अर्थ की व्यवस्थाओं के चलते, पर धर्म और अर्थ की व्यवस्थाओं के चलते तुम भूल चुके हो, तुम भूल चुके हो संगठित होकर जीना, तुम भूल चुके हो संगठित होकर जीना। तुम समझ लो तुम विकल्पहीन हो चुके हो, तुम समझ लो तुम विकल्पहीन हो चुके हो। तुम्हारी नियति बस दर्शक बने रहने में ही शेष है, तुम्हारी नियति बस दर्शक बने रहने में ही शेष है। मेरी अंतिम कविता है आज की, कि पिछले कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से हर रात मुझे कुछ अजीब स्वप्न आते हैं,
पिछले कुछ वर्षों से मुझे हर रात कुछ अजीब स्वप्न आते रहे हैं। आसमान में मंडराते गिद्धों के झुंड, आसमान में मंडराते गिद्धों के झुंड, नदियां मगरमच्छों से भरी हैं, नदियां मगरमच्छों से भरी हैं, आकाश में उड़ते पाखियों के दल आसक्त होकर जमीन पर गिर रहे हैं, आकाश में उड़ते पाखियों के दल आसक्त होकर जमीन पर गिर रहे हैं, सर्पों के जोड़े दबे खजानों पर कुंडली मार बैठे हैं, सर्पों के जोड़े दबे खजानों पर कुंडली मार बैठे हैं। कभी कभी देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ कीचड़ और गंदगी में लोट मार रहे संतुष्ट सुअरों के बीच खड़ा हूँ, कभी कभी देखता हूँ कीचड़ और गंदगी में लोट मार रहे संतुष्ट सुअरों के बीच खड़ा हूँ, तो कभी देखता हूँ भेड़ियों के झुंड बस्ती के मकानों की चौखट को खरोंच रहे, तो कभी देखता हूँ भेड़ियों के झुंड बस्ती के मकानों की चौखटों को खरोंच रहे हैं। ऐसा सभी स्वप्नों को लेकर आशंकित रहा करता, ऐसे सभी स्वप्नों को लेकर आशंकित रहा करता, और मेरी आशंकाएं बढ़ती रहीं, बढ़ती रहीं। कुछ जानकारों ने कहा स्वप्न समय संकेत भी देते हैं, और कभी कभी अपना रंग रूप अपनी प्रजाति बदलकर पूरे सत्य के साथ हमारे बीच प्रकट भी हो जाते हैं। अब मैं आशंकित ही नहीं भयभीत भी रहता हूँ, स्वप्नों को सत्य होता देख, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।